देखो आए तो बोल देना कि जो अंगूठी है ना डिलीवरी के लिए उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? दुकान वाली दीदी आई हमको तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि धंधा तुम ही कर सकती हो। जब घर में थी तो भाभी की भूख करो ना होती थी, पता है तुमको? वही भूत यहाँ दुकान में ट्रांसफर मांग गया है। भाभी जब जिंदा थी तभी भूतों वाली हरकतें करती थी, अब मरने के बाद ही भूत बनी फिर रही है यहाँ पे, पता है? अरे ये काम बगैर बगैर करे जा रही है क्योंकि तुम तो जानती हो का? देखिए जो गुजर चुके हैं उनको इन सब मामले में जीतने का कौन सा डर नहीं आता। सासू माँ पहले भी छुड़ा लाती और मैं ही आज बाहर जाना होगा। सिर्फ एक ही कारीगर यहाँ रह सकता है। ठीक है, यहाँ रहते हैं। वाह वाह, लूट फसाद मचाने का अच्छा तरीका निकाला। सबको ऐसे ही निकाल के घर और दुकान लूटती हो क्या तुम? हाँ, नया धंधा शुरू किया है। चलो यहाँ से, कोई भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चलो। अरे का करिए, छोड़िए, रहा का है, छोड़ेंगे हमने दुकान से निकलो, छोड़िए। सब का हो रहा है, बोरा है, कौन है? तुम भी सास वास तो नहीं है? का हो रहा है, का हो रहा है? तुम भी सास वास तो नहीं है? अरे हम आपको बाद में सब कुछ समझाते है ना। अरे फिर से तुरंत नाटक शुरू हो गया। हमको ऐसे हवा में बात करके डराने की जरूरत नहीं है, बस। अभी हमने आपको डराने का बुआ जी दिखा है आपको डर का ट्रेलर। इन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है। हमें बदनाम? कौन है? अभी ननंद तो नहीं है सहेली? अरे हम वो आपको बाद में समझाते हैं, मैंने जो कह रहे वो करिए। सच चुकवाइए इनसे कि इन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश काम ही की है। सही कहा ना बुआ जी? अरे कैसे कैसे करवाए बुलवाए? आसमान के चक्कर लगवा के। अच्छा ऐसे? जी ओके, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तो उनका नाम नहीं लिखा, तो कोई सिवन का नहीं, ठीक है? मैं सोमजी को भेज पहुंची और हमारे नाम तो गलती से भी मत लेना। अच्छा हो गया, अभी यहाँ पर सब कुछ चलो। अभी भैया।